मेरे हुजूर की तो कोई बहन नहीं थी, दुर्रे यतीम है। लेकिन जब हजरत हलीमा सादिया के यहाँ हुजूर गए तो वहां हुजूर की एक रजाई बहन का तस्करा मिलता है जो हुजूर को लोरियां देती थी, नाम शीमा था। तो शाम के वक्त जब ख्वातीन खाना पकाने में मसरूफ होने लगती तो बहनें वीर उठा करके बाहर ले जाती। हर बहन का ख्याल ये होता कि मेरे वीर से सोना जमाने में कोई नहीं। कहते हैं खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, जिसके वीर का रंग सोना होता तो वो कहती रंग नहीं तो कुछ भी नहीं है, और जिसके नकूश तीखे होते तो वो कहती कि रंग का क्या है, हुस्न तो नकूश में होता है। जिसकी आंखें खूबसूरत होती वो कहती मेरे वीर की झील जैसी आंखें तो देखो। अब यही बनू साद के मोहल्ले में होता, बच्चियां अपने वीर उठा के ले आती है, कहती मेरे वीर वर्गा कोई नहीं, दूसरी कहती मेरे वीर जैसा नहीं। इतने में हजरत शीमा अपना वीर मोहम्मद उठा के ले आती और दूर से ही कहती नहीं मेरा वीर भी आ गया, तो सबके सर झुक जाते, कहती नहीं 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 शीमा तेरे वीर का मुकाबला तो नहीं ना, हम तो आपस में बात कर रही हैं। और फिर जब किसी बहन के वीर को मुतफिका तौर पे सारी कह दें कि तेरा वीर ही सोना है तो फिर उसका फखर दीदनी हो ना, फिर उनका जौक आसमान को छूने लगता। इब्ने हश्याम सीरत की सबसे पहली किताब, उसमें यह वाक्य लिखा है कि फिर हजरत शीमा हुजूर को अपनी आगोश में लेकर समेटती और फिर चूमती और फिर वो लोरी देती और वो लोरी के लफ्ज भी लिखे हैं, रब्बना अब के लना मुहम्मद हत्ता अराहु याफियम व अमरदा, अल्लाह मेरे वीर मोहम्मद को सलामत रखना। आज ये पालने में बच्चों का सरदार है, कल वो लम्हे आए जवानों का भी सरदार। और फिर झूम जाती और क्या खुशी उनकी दीदनी होती। और फिर वो मंजर भी आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम मक्के चले गए और ये जवान हुई और फिर इनकी शादी किसी कबीले में हो गई। आका करीम ने ऐलान नबुव्वत किया, 13 साल का वक्त कटा और फिर हुजूर मदीना शरीफ चले गए। जब गजावात का सिलसिला शुरू हुआ तो जिस कबीले में शीमा का निकाह हुआ था उस कबीले में मुसलमानों के साथ टकराव हुआ, तो अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता कर दी। तो इस कबीले के लोग कैदी होके हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों के हाथों गिरफ्तार हैं, तो ये अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए कबीले के सरदार एक एक घर से फिदिये के लिए रकम जमा कर रहे हैं। चलते चलते शीमा के घर भी पहुंचे जो कि एक उम्र का हिस्सा गुजार चुकी थी, और जाके कहा कि इतना हिस्सा आपका भी आता है। कहा किस लिए? कहा वो जो लड़ाई हुई है, इतने हमारे बंदे गिरफ्तार हो गए हैं तो उनको छुड़ाना है। तो चलते चलते बातों में किसी के लबों पे हुजूर का नाम आ गया तो शीमा ने कहा अच्छा उन्होंने तुम्हारे लोग पकड़े? कहा हाँ। तो कहा फिर तुम रकम इकट्ठी ना करो, मुझे साथ ले चलो। उन्होंने कहा तुझे साथ ले चले? कहा तुम नहीं जानती, वो मेरा वीर लगता है, वो मेरा भाई लगता है। कौम के सरदारों के साथ हजरत शीमा हुजूर के नूरी खेमों की जानब जा रही हैं और सहाबा नंगी तलवारों से पहरा दे रहे। ये मक्की दौर तो था नहीं, ये मदनी दौर था। और शीमा कौम के सरदारों के लेके जब आगे बढ़ने लगी ना तो सहाबा ने तलवारें सौंप दी, रुक जा ए देहाती औरत, जानते नहीं आगे पूछा रसूल है, आगे बगैर इज्जत के जिब्रील भी नहीं जा सकते, तुम कौन हो? तो शीमा ने जो लफ्ज कहे वो लफ्ज लिए, उसने कहा खल्लू सबीली वालमू आना उख्त नबी को, मेरी राहें छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूं। तलवारें झुक गई, आंखों पर पलकों की चिलमने आ गई, रास्ता छोड़ दिया। हुजूर के खैमा नूरी में दाखिल हुई तो हुजूर ने देखा, पहचान लिया, उठ के खड़े हो गए। फरमाया बहन कैसे आना हुआ? आपके लोगों ने हमारे कुछ बंदे पकड़े हैं, छुड़ाने आई हूं। तो फरमाया बहन तूने जहमत गवारा क्यों की? तू पैगाम भेज देती मैं यूं ही छोड़ देता, लेकिन तुम आ गई हो, अच्छा हुआ मुलाकात हुई। फिर हुजूर ने कैदियों को छोड़ने का ऐलान किया और कुछ घोड़े और चंद जोड़े हजरत शीमा को हुजूर ने तोहफे के तौर पर दिए। वीरों के दरवाजे पर बहने आए तो वीर खाली तो मोड़ा नहीं करते, तो हुजूर ने बहुत कुछ अता किया। और फिर रुखसत करने खैमे से बाहर आए तो सहाबा की जमात मुंतजर थी। फरमाया सहाबा जब मैं कैदी छोड़ा करता हूं, मेरी आदत तुम्हें मालूम है कि मैं पहले तुमसे मुशावरत किया करता हूं, आज ऐसा मौका आया कि मैंने तुमसे मुशावरत भी नहीं की और कैदी भी छोड़ दिए। कहा जो चाहें आप करें, लेकिन क्यों मुशावरत नहीं फरमाई हुजूर, अगर इरशाद फरमा दें? तो फरमा इसलिए कि मेरे दरवाजे पे मेरी बहन आ गई थी। कोई लाओ तो सही जमाने में ऐसा, कोई लाओ तो सही जमाने में
ये जमाल और ये हुस्न और ये कमाल रखने वाला, तो फिर क्यों ना हम अपनी सारी जिंदगी उस आका के नाम लगाते।